सो हाय फ्रेंड, अभी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ अभी। मेरा ऑफिस पड़ता है हुडा सिटी सेंटर में। सो अभी रास्ते में हूँ और मेरी वाइफ अभी चला रही है स्कूटी, और मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाते दिखाते चलूँगा कहाँ कहाँ से क्या क्या है, कैसे कैसे है लोकेशन। आप लोग देखते चलिए, इंजॉय कीजिए, मनोरंजन कीजिए। सो फ्रेंड, ये जो आप रास्ता देख रहे हो सीधा हमारा बजघेरा से निकल जाता है राजेंद्र पार्क की ओर, और हम लोग इसी रास्ते के थ्रू होते हुए जाएंगे। अभी हम लोग बजघेरा और राजेंद्र पार्क के बीच में जो रोड है वहाँ पे अभी पार करेंगे। एंड ये है यहाँ पे ठेका, आप देख सकते हो स्टार वाइन, यहाँ का राजेंद्र पार्क का लैंडमार्क। एंड ये है आपका राजेंद्र पार्क। राजेंद्र पार्क कोई पार्क वर्क नहीं है, जैसे मैंने पिछले बार ही बताया था, ये एक मार्केट है, मार्केट एरिया है। और देखिए कितना वाटर लॉगिंग हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए कितना पानी जमा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सो यही रास्ता सीधे 2 किलोमीटर आगे चल जाएगा, और 2 किलोमीटर बाद एक फ्लाईओवर आएगा जो मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी यहाँ पे धीरे धीरे गाड़ी चल रहा है क्योंकि रास्ता बिल्कुल बेकार हो गया है। हाय दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि ये है आपका फ्लाईओवर, कितना जाम है, बहुत गंदा जाम लगा इस फ्लाईओवर पे। ये आप देखिए फ्लाईओवर, इसका जाम। ये दौलताबाद फ्लाईओवर है, बहुत छोटा सा फ्लाईओवर है, पता नहीं इसका ज़रूरत क्या है, क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ आए दिन जाम ही लगा रहता है इस फ्लाईओवर पे। तो इसमें कुछ कर सकते नहीं है, बट चल सकते हैं। यही चीज़ है कुछ गुड़गांव की जो यहाँ के निगेटिव चीज़ों को दर्शाती हैं, बट इसमें चाहे तो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन करता कौन है, सब तो खाने कमाने में लगे हुए हैं। दोस्तों ये जाम आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पे, ये देखिए नीचे का दृश्य और ये फ्लाईओवर का जाम। ये गुड़गांव का हाल है बारिश के मौसम में, ये देखिए हम लोग ये फ्लाईओवर से पार कर रहे हैं। देखिए लोग ऊपर चढ़ा चढ़ा के जा रहे हैं। सो अप साइड से फाइनली हम लोग डाउन साइड में आ गए हैं फ्लाईओवर का। थोड़ा सा यहाँ पहले से ठीक है ट्रैफिक, पहले तो गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही थी, और अभी हम चल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने रास्ते की ओर टू ऑफिस। ये देखिए सामने नीचे में जो है ये आपका रेलवे स्टेशन है गुड़गांव का, दौलताबाद फ्लाईओवर का ठीक नीचे। और ये देखिए किस तरह से गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, देखिए इस साइड में। तो फिर अगेन जाम में दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, देखते रहिए, देखिए कितना गाड़ी फंसा हुआ है, देखते चलिए दोस्तों। तो सो फाइनली दोस्तों हम लोग फ्लाईओवर से नीचे उतरे, नीचे उतर के आए, अब हम लोग मुड़ रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। हमारा गाड़ी मुड़ रहा है, बाइक मुड़ रहा है, स्कूटी मुड़ रहा है, जो भी है बस स्टैंड की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों रोड का नज़ारा, ये रोड पे हम लोग जा रहे हैं, ये सीधा हम लोग जा रहे हैं आपका बस स्टैंड के रास्ते की तरफ, बट वहाँ घुसेंगे नहीं, हम लोग सीधा यहीं से रास्ता है ना, आगे से निकलेंगे हम लोग, आगे वाले रास्ते से निकल जाएंगे। और अभी धीरे धीरे मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश सही भी हो रही है। बहुत सारे रास्ते गुड़गांव में ब्लॉक हो चुके हैं, वहाँ हर जगह वाटर लॉगिंग आ चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्चुअली क्या है कि मैं कभी वर्क फ्रॉम होम में बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा वर्क फ्रॉम ऑफिस करता हूँ। सो इवन कितना ही बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं लेता हूँ। और अभी हम लोग स्टॉप पर रुके हुए हैं, और स्टॉप पर रुक के हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। सो हम लोग इस साइड आ गए, ये है यहाँ का लेबर चौक है, देखिए
देखिए कितना लेबर खड़े हैं। हाँ यहाँ भी तो जाम रहता ही है, अंदर ही अंदर निकाल लो ना गाड़ी। देखिए दोस्तों कितने लेबर खड़े हैं यहाँ पे, कितने लेबर मजदूर यहाँ पे खड़े हैं और कितना पानी जाम है। देखिए ये लेबर चौक पे सब खड़े हैं कि कोई ना कोई इनको मिल जाए। देखिए यहाँ पे दिहाड़ी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए और एक अपना काम चला सके। और ये यहाँ का देखिए छोटा सा पार्क है, सोसाइटी है, ये देखिए सोसाइटी है, छोटा सा पार्क। ये अभी हम लोग सेक्टर 5 में है, सेक्टर 5 गुड़गांव। और यहाँ का आप रोड कंडीशन देखिए, लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, रास्ते की तरफ, धीरे धीरे बारिश में, तो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग गोलचक्कर से होते हुए गोलचक्कर से मुड़ के, ये जो गोलचक्कर है इसको बोलते हैं अशोक विहार गोलचक्कर। अशोक विहार गोलचक्कर से मुड़ते हुए हम लोग ये सीधा हमने रास्ता पकड़ लिया आपका शीतला माता मंदिर का, ये जा रहा है शीतला माता मंदिर। ये देखिए दोस्तों रास्ता, ये सीधा हम लोग शीतला माता मंदिर रास्ते में होते हुए, देखिए यहाँ भी जाम लग गया, बीच में एक ट्रक घुस गया और इसने जाम लगा दिया है। और यहाँ का देखते चलिए दुकानों को, सूट लेंथ वाला, इंग्लिश वाइन, यहाँ तो गुड़गांव में तो हर जगह आपको इंग्लिश वाइन और दारू शॉप, दारू भट्टी हर जगह मिल जाएगा, यहाँ सोचना ही नहीं है उसके बारे में। और ये यहाँ से भी आ सकते थे अगर हम चाहते तो, पार्कवे अपार्टमेंट से सीधा रास्ता है इसका, बट ये बहुत कीचड़ होगा यहाँ पे, कचरा गली होगा अभी, सो ये रास्ता हमने छोड़ दिया। और हम लोग ने बहुत लंबा रास्ता पकड़ के हम आए राजेंद्र पार्क होते हुए, राजेंद्र पार्क होते हुए पहले बस स्टैंड का रूट पे घुसे, फिर बस स्टैंड का रूट से अंदर घुसते घुसते सेक्टर 5 होते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए। अब तेल डलवाने हम लोग जा रहे हैं भारत पेट्रोलियम में। देखिए अब यहाँ पे तेल डलवाएंगे कि गाड़ी का तेल ख़त्म होने जा रहा है। हमने पेट्रोल भरा लिया और अब हम बाहर आ गए हैं पेट्रोल भरा के और फिर चल रहे हैं। ये देखिए गुड़गांव के सड़के का सड़कों का नज़ारा, कितना मस्त सड़क है और इस पे ट्रैक्टर, बाइक, कार, एसयूवी सब चल रहा है। और दुकानें देखिए, देखते रहिए, चलते रहिए, बस आगे शीतला माता मंदिर आएगा वही मैं दिखाऊंगा आपको। सो दोस्तों देखिए ये शीतला माता मंदिर के पास हम लोग पहुँच गए हैं, थोड़ा हाथ हिल गया क्योंकि ये ऊपर नीचे ऊपर खाबर रोड हो जाता है ना, और मेरे पास ये फ़ोन को पकड़ने वाला वो है नहीं। और यही रास्ता है शीतला माता मंदिर और की ओर जाने का। और शीतला माता मंदिर देखिए शीतला माता पार्किंग के पास है हम लोग, और ये है आपका शीतला माता मंदिर, ये देखिए। और यहाँ पे ये गाड़ी चढ़ाने के लिए है या गाड़ी उतारने के लिए है ये जो होता है, और यहाँ पार्किंग है। ये देखिए शीतला माता मंदिर का द्वार। सो फ्रेंड ये देखिए हम लोग अंडर पास से निकल रहे हैं, बोले घुस रहे हैं अंडर पास में, अंडर पास में घुस के और ये रास्ता सीधा चल जाएगा सेक्टर 29। सेक्टर 29 में वहीं हमारा ऑफिस है, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन भी वहीं पे है और वहीं पे हमें घुसना भी है। तो ये देखिए हम इस रास्ते में आपका दो दो आपके पड़ते हैं अंडरपास, ये पहला अंडरपास है और इसके बाद भी एक और अंडरपास आएगा अभी, तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। और अभी देखिए अंडरपास ख़त्म हो रहा है, अंडरपास से हम लोग बाहर जा रहे हैं।
देखते रहिए दोस्तों। सो मौसम आप देख ही रहे हैं किस तरह से है, बारिश वाला मौसम हुआ है, हल्का हल्का कुछ बिस्टी पर भी रही है, तो कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। बस हमेशा इंसान को हमेशा वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए रेडी रहना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम सब आलसियों का चीज़ है, वो सब आलसी लोग करते हैं, कभी ज़िंदगी में आलसी नहीं बनना चाहिए। हमेशा इंसान को रेडी रहना चाहिए एक ऑफिस में काम करने के लिए, मैं तो यही मानता हूँ। बात बाकी आप लोग क्या मानते हैं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये आप जो देख रहे हैं ये सीधा चल जाएगा, आप एक नीचे में ऊपर फ्लाई ओवर देख रहे हैं, वो फ्लाई ओवर सीधा चल जाएगा MG रोड मेट्रो स्टेशन, और वहाँ पे नहीं मुड़ना है, ये सीधा हमको निकल जाना है आपका हुडा सिटी सेंटर, हुडा सिटी सेंटर की ओर। सो ये देखिए दोस्तों, ये फ्लाई ओवर के पास हम लोग पहुँच गए, और अब यहाँ पे रेड सिग्नल आ गया है। सो ये जो रेड सिग्नल है यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा जब तक ग्रीन ना हो जाए, और फिर ही हम निकलेंगे। अब ग्रीन सिग्नल हो गया दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं, और ये जैसे मैंने बताया था कि एक और फ्लाई ओवर आएगा, तो ये देखिए दूसरा फ्लाई ओवर, ये सेकंड फ्लाई ओवर है जो सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ हुडा सिटी सेंटर साउथ सिटी, और इसके अंडर पास आ गया है, और अब अंडर पास के थ्रू हम लोग निकलेंगे हुडा सिटी सेंटर की ओर। सॉरी बाई मिस्टेक, मैं अपने मिस्टेक मानता हूँ कि मैंने अंडर पास को फ्लाई ओवर बोल दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये अब हम लोग इस अंडर पास से जा रहे हैं हुडा सिटी सेंटर की ओर, और ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, कितना मस्त बनाया है इस अंडर पास को, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए लाइटिंग यहाँ का अंडर पास का कितना बढ़िया लाइटिंग, कितना बढ़िया लाइटिंग है देखिए आप लोग। और फिर यहाँ से बाहर निकलते हुए ये देखिए ऊपर में बारिश से बचे रहने के लिए ऊपर से ढक दिया है कि सब कुछ ढका हुआ रहेगा। ये देखिए ऊपर का दृश्य। सो ये बेसिकली न्यू गुड़गांव में आता है, तो न्यू गुड़गांव को तो बहुत ही डेवलप्ड बनाया है, और आए दिन आप लोग देखते भी रहते हो वीडियो में, लेकिन ओल्ड गुड़गांव के लिए यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ की म्यूनसिपलिटी कुछ भी नहीं करती है। ओल्ड गुड़गांव एकदम बिल्कुल बहुत बेकार है, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर प्रोग्रेस, बस लवारिस की तरह उसको छोड़ दिया गया है, और आप लोग देख ही रहे हो। और ये न्यू गुड़गांव, ये हम आ गए सेक्टर 29 में, ये देखिए सेक्टर 29 का नज़ारा। सेक्टर 29 जनरली फेमस है आपके क्लब्स के लिए, पब्स के लिए, होटल्स के लिए, यहाँ पे पार्क भी है एक, वो आपका पार्क के लिए भी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग से बने बनाए ठेके पड़े हुए हैं जहाँ लोग ऑफिस के बाद पीने वाने आते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्टर 29 फेमस है, और आपको मैं दिखाता हूँ सेक्टर 29 का थोड़ा नज़ारा, कि द प्लाजियो होटल, द रेडिसन, मेंबर ऑफ रेडिसन इंडिविजुअल, ये सारी सेक्टर 29 के नज़ारे हैं। और ये आप देखते चलिए, ये वहाँ यहाँ का वन ऑफ द अच्छा एरिया है गुड़गांव का सेक्टर 29। और ये देखिए सोसाइटी है, हाँ यहीं से निकाल लो, हाँ यहीं से निकाल लो, और हम लोग ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरे रास्ते के थ्रू निकल रहे हैं, जो आप देख सकते हैं ये आपका साइड वाला रास्ता है, यहाँ के थ्रू हम लोग ट्रैफिक से बचने के लिए निकल रहे हैं। देखो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कितना ट्रैफिक लगा हुआ, इतना ट्रैफिक में फंसने से ज़्यादा बेटर है कि ये साइड वाला रास्ता जो है यहाँ से निकल चला जाए। रोड वोड भी तो टूटा फूटा है ही बीच में, लेकिन वो तो अब इंडिया का हर जगह का हाल है।
ये देखिए बहुत सारे और भी होटल्स, क्लैरेंस, नेमिसिया, और ये पार्किंग है सेक्टर 29 का। और यहाँ से हम पार होते हुए यहाँ से यूटर्न ले लेना आगे से, तो आगे से यूटर्न। ये रेडिसन देखिए, आगे से यूटर्न लेके ये दिया पार्क प्रीमियर। ये सारे होटल्स ही हैं, होटल्स एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये हम लोग यूटर्न लेके सीधा निकल जाएंगे हुडा सिटी सेंटर की ओर। ये देखिए दोस्तों, स्पिनी लेक्सस गाड़ी का, और ये आपका बहुत सारे दुकान है यहाँ। इवन जस्ट हम लोग अब पहुँच ही गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हुडा सिटी सेंटर यहाँ से। और अब लोग हम लोग हुडा सिटी सेंटर अब जस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो ये सामने में आप फोर्टिस हॉस्पिटल देख रहे हैं, और फोर्टिस के सामने ही आप जो देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज से जस्ट बगल में है आपका हुडा सिटी सेंटर। देखिए तो ये अब हम लोग अपने मंजिल की ओर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आगे बस ने रोक दिया है हमें, आगे पुलिस वाला है, गाड़ी चेक कर रहा है। सो दोस्तों ये रहा यहाँ तक के लिए वीडियो, यहाँ तक का सफ़र, और फिर आगे की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।